गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में अपन ने ये डिस्कस किया था आपके तारक केंद्र और तारक काय के बारे में बात की थी कि सेंट्रोसोम और सेंट्रोल क्या होते हैं। आज अपन बात करेंगे कोशिका भित्ति सेल वॉल के बारे में, कोशिका भित्ति जैसे इंग्लिश बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, कोशिका झिल्ली अलग संरचना होती है, कोशिका भित्ति अलग संरचना होती है, कोशिका झिल्ली जंतुओं में पाई जाती है। देखो कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादपों में पाई जाती है, पादपों में, बैक्टीरिया में, इनमें पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए इसकी बात करते हैं, कोशिका भित्ति की बात कर देखिए। ये सामान्य रूप से किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। पहली चीज़ तो कि भाई कोशिका भित्ति जो है ये आपके किसकी बनी होती है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि सामान्य रूप से किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज क्या है? रासायनिक पदार्थ है। क्या है? एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, जो बहुत सारे आपके क्या होता है, रसायनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, अभी इसकी बात करेंगे कि किसमें कोशिका भित्ति की जो संरचना है वो किन किन कारकों से मिलकर बनी होती है। अब देखिए कोशिका भित्ति प्रारंभिक अवस्था में क्या होती है? पतली, लंबी, मुलायम होती है। कि भाई शुरुआत में अपन इसको देखते हैं तो कोशिका भित्ति कैसी होती है? मुलायम होती है, पतली होती है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है। उसके बाद अपन बात करें कि भाई इसमें जो कोशिका भित्ति है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, इसकी क्या किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, इन सब की अपन बात करने वाले हैं। कि भाई देखो सेलुलोज की बात करता हूँ कि सेलुलोज क्या होता है। कि भाई ये सेलुलोज जो है आपके ये पादपों को क्या करता है, ये कोशिका भित्ति का क्या मुख्य अवयव है। इसके अलावा ये कोशिका को क्या करता है? यांत्रिक आधार, मतलब बाहरी मजबूती प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। कि भाई एक बात करें कि सेलुलोज जो है आपके ये क्या है, आपके ग्लूकोज का, ये ग्लूकोज का क्या बहुलक है, मतलब बहुत सारे ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, आपके इस सेल्यूलोज का निर्माण करते हैं। कि लगभग आपके लगभग 6000 बीटा डी, ठीक है, ग्लूकोज के अणुओं की असाकित किंतु लंबी श्रृंखला का बना होता है। कि 6000 लगभग आपके किसके ग्लूकोज के अणु मिलते हैं तब जाके एक सेल्यूलोज के अणु का निर्माण होता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल्यूलोज किस प्रकार का रासायनिक पदार्थ है, कितना जटिल रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, जो आपके कोशिका भित्ति के अंदर पाए जाते हैं। इसके आगे बात करें देखिए कोशिका भित्ति की, कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, किस में पाई जाती है? पादपों में पाई जाती है। ध्यान रखना कि जंतुओं में कोशिका भित्ति, अपने अंदर कोशिका भित्ति नहीं होती, अपने अंदर क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। तो जंतुओं में क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली। और पादपों में क्या पाई जाती है? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? पादपों के अंदर पाई जाती है। इसके आगे देखिए आप कि भाई आगे बात करें इसकी संरचना की बात करते देखिए कि भाई कोशिका भित्ति इसकी क्या संरचना है, इसकी बात करते देखिए कि भाई कोशिका भित्ति जो है प्रारंभिक अवस्थाओं में कोशिका भित्ति एक पतली मुलायम परत होती है। कि जब ये शुरुआत में जब बनती है प्रारंभिक अवस्था में कोशिका भित्ति, प्रारंभिक अवस्था में कोशिका भित्ति जो होती है वो किसकी बनी होती है? आपके मुलायम होती है। क्या होती है? मुलायम होती है और पतली लंबी होती है। मुलायम व पतली हुई लंबी होती है प्रारंभ में, मतलब जब ये शुरुआत में बनना प्रारंभ होती है। भाई कोई भी चीज़ है जैसी आपको भी दिख रही वैसे थोड़ी होती है, शुरुआत में वैसी होती है। जैसे बच्चे का डेवलपमेंट ले लीजिए, आप इतने बड़े हो गए शुरुआत में से थोड़ी थे, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। तो इसी प्रकार जब ये प्रारंभिक अवस्था बनती है जिसकी कोशिका भित्ति का निर्माण होना शुरू होता है तभी मुलायम और पतली होती है। बाद में क्या होता है कि जो कैल्शियम व मैग्नीशियम पिक्टेट की बनी होती है, वे किसकी बनी होती है? ये किसकी बनी होती है प्रारंभिक अवस्था में? कैल्शियम व मैग्नीशियम पिक्टेट, पिक्टेट का मतलब है परतों, है ना, परतों के रूप में बनी होती है। बाद में जब ये और अधिक पेक्टोज तथा सेल्यूलोज इत्यादि का स्त्राव इनके ऊपर होता है, एकत्रित होता है, तो ये वास्तविक कोशिका भित्ति बन जाती है। कि भाई कैल्शियम, भैया ध्यान रखना कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कैल्शियम में मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि भाई प्रारंभिक अवस्था के अंदर। लेकिन फिर बाद में क्या होता है कि इस पर क्या होता है अधिक मात्रा में, किस पर अधिक मात्रा में किसका जमा होता है? पेक्टोज, ये भी एक रासायनिक पदार्थ है, पेक्टोज व सेल्यूलोज। ठीक है, इनका क्या होता है, इनके ऊपर जमा होता है, तो फिर एक्चुअल में जो अभी अपन जैसे देखते हैं कोशिका भित्ति है वो बन जाती है। और प्रारंभिक भित्ति एक स्पष्ट परत के रूप में कोशिका भित्ति के बीच दिखाई देती है। कि भाई प्रारंभिक जो भित्ति है, ठीक है, यह जैसे बाद में कोशिका भित्ति बन जाए तो उसके बीच जैसे प्रारंभिक कोशिका भित्ति स्पष्ट रूप से क्या होती है, बीच में दिखाई देती है।
ठीक है, कि भाई प्रारंभिक भित्ति है वो स्पष्ट रूप से क्या होती है, स्पष्ट परत के रूप में कोशिका भित्ति के क्या होती है, बीच में दिखाई देती है। तो ये क्या है, प्रारंभिक भित्ति है, जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था, क्या है, प्रारंभिक भित्ति है। अब देखिए इसके आगे बात करें कि भाई शुरुआत में प्रारंभिक भित्ति, फिर जैसे जैसे अपने कोशिका भित्ति का निर्माण होता है तो इनके ऊपर पेक्टोसेलुलर जमा हो जाता है, तो ये बीच में दिखाई देती है, तो इसे क्या कहा जाता है, मध्य पटलिका कहा जाता है। किसे का क्या कहा जाता है, इसको मध्य पटलिका। समझ गई बात आपको, कि भाई प्रारंभिक अवस्था में कोशिका भित्ति मुलायम पतली होती है, ठीक है, फिर इस पर क्या किसी बनी होती है, कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट, पेक्टेट मतलब परतें, भाई कैल्शियम की मैग्नीशियम ऐसे परतें पाई जाए, इसको क्या बोल दिया, पेक्टेट नाम दे दिया अलग से, पेक्टेट, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखें कि फिर इसके ऊपर क्या होता है, जो आपकी प्रारंभिक अवस्था में जो कोशिका भित्ति मुलायम पतली होती है, इसे पेक्टोरल सेल्युलोज का जमा होता है, ये पदार्थ स्तर होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, मजबूत और कठोर हो जाती है। तो लेकिन ये प्रारंभिक भित्ति जो होती है क्या होती है, कोशिका भित्ति के बीच में दिखाई देती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मध्य पटलिका कहते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब अपन स्टार्ट करते हैं, देखिए कि सामान्य कोशिका भित्ति में बहुत सारी परतें होती है, कौन कौन सी परतें पाई जाती है उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मध्य पटलिका से, क्योंकि कोशिका भित्ति का डायग्राम भी बनाएंगे, कोशिका भित्ति के अंदर कौन कौन सी परतें पाई जाती है उनकी बात करेंगे। पहले अपन परतों की बात करते हैं, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। कभी किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है, इसका किस प्रकार से इसका निर्माण होता है, सबकी बात करने वाले। देखिए वैसे कोशिकांग में देखें तो आपकी ये लास्ट कोशिकांग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके जितने भी थे मैंने आपको सब कोशिकांग पढ़ा दी है, ठीक है, ये लास्ट कोशिकांग है। इसके बाद आपको कुछ टर्मिनोलॉजी है उसका एक वीडियो बनाएंगे, जिसमें 5-10 जो भी डेफिनेशन है जो बीच बीच में आपकी आती है उनकी बात करेंगे, ठीक है, वो बना अपन उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे आपके वो काम आएंगी, जैसे आप क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं पीडीएफ, तो उसमें आपको हेल्प करेगी, ठीक है, और आगे भी आपके बहुत काम आएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की जो परतें हैं उनकी, ठीक है, कि भाई कोशिका भित्ति की निम्न परतें होती है कौन कौन सी, उसमें पहली परत आप एक नंबर पर पढ़ रहे हैं मध्य पटलिका के बारे में, मध्य पटलिका। देखिए कि कोशिका विभाजन के बाद दो संतति कोशिकाओं के मध्य बनने वाली ये प्रथम भित्ति होती है, कि भाई क्या होता है, जब कोशिका का विभाजन होता है तो दो संतति, देखिए समसूत्र विभाजन होता है तो समसूत्र विभाजन से क्या होता है, दो संततियों का निर्माण होता है, और गुणसूत्रों की संख्या क्या रहेगी समान, इसमें 2n है तो इसमें भी 2n 2n, n मैंने आपको बता दिया। देखिए एक चीज़ और सुनिए, गुणसूत्रों का जो अगुणित गुणसूत्रों का, देखिए चीज़ आगे याद आगे बता देता हूँ, अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है, क्या कहलाता है, जीनोम। ध्यान रखेंगे कि किसी भी जीव जैसे अपने शरीर में कितने अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं, बराबर कितने रहेंगे, 23, तो ये 23 क्या है, जीनोम है। ध्यान रखना इसे इसका कि जीनोम क्या होता है, किसी भी जीव के शरीर में पाए जाने वाले अगुणित गुणसूत्रों का समुच्चय क्या कहलाता है, जीनोम कहलाता है। तो ये 2n का लोगे द्विगुणित और n बनाए तो क्या हो जाएगा, अगुणित। मैं आपको बता चुका हूँ द्विगुणित अगुणित का गुणसूत्रों का रेशियो सभी में क्या होता है, आपको पता है गुणसूत्र अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है, गुणसूत्र पढ़ा तो मैंने आपको डिटेल में कुछ बोल के भी बताया था, लिखा है नहीं, तो भाई इनके अंदर ऐसे पाया जाता है, आपको अंदाजा लग जाएगा भाई किसमें कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब आप आगे देखिए कि भाई कोशिका विभाजन के पास दो संतति कोशिकाओं मध्य बनने वाली जो परत क्या कहलाती है, आपके मध्य पटलिका होती है, जो दो आसन कोशिकाओं से क्या रखती है, जोड़े रखती है, कि दो कोशिकाओं आपस में क्या करती है, जोड़े, आसन मतलब आसपास में जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको जोड़ने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, मध्य पटलिका के द्वारा किया जाता है। कि ये कैसी होती है, जेली के समान होती है, जेली तो आप जानते हैं ना, ठोस अवस्था ना मुलायम अवस्था, बीच वाला, जेली समान पदार्थ से क्या होती है, फिर जुड़ी होती है, तो किससे बनी होती है, कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई आपके जो कोशिका भित्ति के अंदर जो मध्य पटलिका होती है किसकी बनी होती है, कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट की बनती है। अब इसका कार्य क्या, देखिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि फलों के पकने के समय ये घुल जाती है, जैसे फल क्या हो जाते हैं मुलायम, जैसे आप फल कच्चे फल देखते हैं तो कच्चे फल क्या होते हैं, कठोर होते हैं, ठीक है, देखे होंगे, फिर जैसे वो फल पकते हैं तो मुलायम हो जाते हैं, अपन आसानी से उसको खा सकते हैं, तो इसका मतलब ऐसा क्या हो गया इसके अंदर जिसकी वजह से ये कठोर से मुलायम हो गए, इसका कारण है मध्य पटलिका। कि मध्य पटलिका जो होती है पहले अपरिपक्व अवस्था में होती है, जैसे ही फल पकने लगता है तो मध्य पटलिका जो होती है ये कैल्शियम मैग्नीशियम की पेक्टेट की बनी होती है, ये घुल जाती है, ये घुलने की वजह से इसे फल क्या हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, फलों के पकने के समय यह
घुल जाती है, कि जब फल पकते हैं तो ये क्या हो जाती है आपके, घुल जाती है, और इसके घुलने से क्या हो जाता है आपके, फल मुलायम हो जाते हैं। तो इसका ध्यान रखना, मध्य पटले का किसकी बनी होती है, कैल्शियम मैग्नीशियम पिक्टेट की, कैसी होती है, जेली समान पदार्थ होती है, ठीक है, वो फलों के पकने के समय ये घुल जाती है, इससे वजह से फल क्या हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं। अब दूसरी परत की बात करते हैं जिसका नाम है प्राथमिक कोशिका भित्ति। प्राथमिक कोशिका भित्ति, और एक चीज ध्यान रखना कि भाई मध्य पटलिका का निर्माण कौन से कोशिकाओं के द्वारा होता है, तो गोलजिकाएं, कि भाई गोलजिकाएं जो है वो ये मध्य पटलिका का निर्माण करते हैं। अब देखिए प्राथमिक भित्ति की बात करते हैं कि प्राथमिक कोशिका भित्ति क्या है, कि ये पहली परत, कि ये पहली परत है जो कि आपके मध्य पटलिका की ओर स्थित होती है, कि मध्य पटलिका की ओर पाई जाती है, और ये प्राथमिक भित्ति कहलाती है, और ये हेमिसेल्युलोज और पेक्टिक पदार्थों के द्वारा एक परत के रूप में बनी होती है। कैसे बनी होती है, देखिए पहली बात तो क्या है कि भाई मध्य पटलिका की ओर स्थित होती है, तो स्थिति आ गई मध्य पटलिका की ओर स्थित, फिर किसकी बनी होती है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, ये बनी होती है हेमिसेल्युलोज व पेक्टिक पदार्थ, कि हेमिसेल्युलोज और पेक्टिक पदार्थों की बनी होती है, ठीक है, और एक परत के रूप में पाई जाती है। सिंपल सी बात होगी, बस इतनी सी जानकारी। फिर बात करते हैं, देखो सभी को डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि अपन बनाएंगे डायग्राम के, मध्य पटलिका कहाँ पाई जाती है, प्राथमिक भित्ति कहाँ पाई जाती है, ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए एक लाइन अपन ऐसे बोल सकते हैं कि जो प्राथमिक भित्ति होती है ये आपके क्या होती है, मध्य पटलिका को दोनों ओर पाई जाती है। किसकी तरफ, जैसे ये मध्य पटलिका हो गई, इसके दोनों ओर क्या होगी, ये मध्य पटलिका और ये प्राथमिक भित्ति, और ये प्राथमिक भित्ति, तो ये क्या होती है आपके मध्य पटलिका के दोनों ओर प्राथमिक भित्ति पाई जाती है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। इसके आगे बात करते हैं अपन द्वितीयक भित्ति की बात करते हैं, द्वितीयक भित्ति क्या है इसकी, देखिए इसकी बात करेंगे, द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीय कोशिका भित्ति क्या है, देखिए कि यह है सामान्य रूप से तीन परतों की बनी होती है। किसकी बनी होती है, सामान्य रूप से तीन परतों की बनी होती है, कौन कौन सी, सेल्युलोज, अन्य पदार्थ देखिए हेमिसेल्युलोज है, लिग्निन है, पेक्टिन है, सुबेरिन है, आदि के मिश्रण से बनी होती है, और कोशिका को क्या करती है, दृढ़ता प्रदान करती है। देखिए यह किस किस से बनी होती है, देखिए सेल्युलोज से बनी होगी, सेल्युलोज, इसके अलावा आपके हेमिसेल्युलोज, इसके अलावा आपके ये कि भाई सेल्युलोज की हो गई, हेमिसेल्युलोज, पेक्टिन, सुबेरिन, लिग्निन, ये सभी इसमें पाए जाते हैं, कि व्याधि के मिश्रण से बनी होती है, और कोशिका भित्ति को क्या करती है, दृढ़ता मजबूती प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान, जैसे कोशिका भित्ति कठोर होती है, मजबूत होती है, किसकी वजह से होती है, कि द्वितीय कोशिका भित्ति की वजह से होती है, ठीक है। अब इसके आगे अपन बात करते हैं कि द्वितीय कोशिका भित्ति क्या है इसकी, देखिए सरसा देखिए, और इसमें देखिए क्या है, ये आपकी द्वितीय भित्ति होगी। अब देखिए एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, तृतीय कोशिका भित्ति की बात करते हैं, फिर इसको डायग्राम के द्वारा समझते हैं भी किस प्रकार से ये पाई जाती है, इसका अरेंजमेंट क्या होता है। देखिए भाई द्वितीय भित्ति बना सेल्यूलोज तो सभी में पाया जाता है, सेल्यूलोज के अलावा ये अदर कंटेंट जैसे मिलकर बनी होती है, और चौथा अपने परत है उसके नाम है तृतीय कोशिका भित्ति, इसी बात करते हैं लास्ट, तृतीयक कोशिका भित्ति। तृतीय कोशिका भित्ति क्या होती है, देखिए कि भाई तृतीय कोशिका भित्ति द्वितीय कोश भित्ति के ऊपर तीसरी परत के रूप में होती है, कहाँ पाई जाती है,
द्वितीय कोशिका के भित्ति के ऊपर, द्वितीय कोशिका भित्ति के ऊपर पाई जाती है, द्वितीय कोशिका भित्ति के ऊपर पाई जाती है। इसके आगे बात करते देखिए कि भाई तीसरी परत के रूप में पाई जाती है, और ये क्या होती है, शुद्ध सेल्यूलोज की बनी होती है। कि इसमें क्या पाया जाता है, सिर्फ शुद्ध सेल्यूलोज, शुद्ध लिखने का मतलब सिर्फ सेल्यूलोज पाया जाता है, सेल्यूलोज। ठीक, इसके आगे देखिए, प्राय द्वितीय और तृतीय भित्तियाँ अलग अलग नहीं पहचानी जा सकती, कि भाई समारोह से एक जैसी दिखाई देती है। प्राथमिक और द्वितीय, आपके द्वितीय और तृतीय भित्तियाँ, मध्य पटलिका तथा सभी कोशिका भित्तियाँ छोटे छोटे छिद्रों द्वारा छिद्रित होती है। कि जो मध्य पटलिका है और कि जितनी भी कोशिका जो भी आपकी कोशिका भित्तियाँ हैं, जैसे प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, सभी कोशिका भित्तियाँ छोटे छोटे छिद्रों द्वारा छिद्रित होती है। किसे जुड़ी होती है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनके द्वारा छिद्रित होती है। इन छिद्रों में होकर एक कोशिका का कोशिका द्रव्य दूसरी कोशिका में कोशिका द्रव्य से संबंधित है। कि भाई जैसे मान लीजिए परत बना समझने के लिए, ठीक है, एमिन में क्या होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, वहीं पर कोशिका द्रव्य होता है। तो इन छिद्रों के द्वारा एक कोशिका भित्ति का जो कोशिका द्रव्य है, दूसरी कोशिका का पहली कोशिका में, इस प्रकार से क्या होता है, कोशिका द्रव्य का क्या होता है, संबंध बना रहता है। इस प्रकार से बने इन कोशिका द्रव्य सूत्रों को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेसमेटा। क्या कहा जाता है, देखिए सुनिए, वैसे वर्ड आ गए, कल मैं इसकी डिफिनेशन वैसे आपको अलग से पढ़ाने वाला था नेक्स्ट क्लास के अंदर। कि भाई जैसे प्लाज्मोडेसमेटा क्या है, कि भाई पादप कोशिका भित्तियों में क्या होते हैं आपके, कि भाई कोशिका भित्तियाँ जो होती हैं उनमें क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। उन छिद्रों के द्वारा जो जीवद्रव्य है, कोशिका द्रव्य है, उसका संपर्क जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका के बीच में बना रहता है, उसे क्या कहते हैं, जीवद्रव्य। जैसे मान लीजिए कोशिका दो बना लेते हैं, ठीक है, ये इसमें ये छिद्र बने, वैसे ऐसे छिद्र बने, इसमें भी बने। अब इसमें क्या जीवद्रव्य है, कोशिका द्रव्य ऐसे पाया जाता है आपका, ठीक है। तो इन छिद्रों के द्वारा इस कोशिका द्रव्य इसमें आ गया, इस कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य इसमें चला गया, तो इनके बाद कोशिका द्रव्य का जो ये आदान प्रदान होता है, ठीक है, ये सूत्रों के द्वारा, उसे क्या कहते हैं, इस सूत्रों को क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेसमेटा। मान लीजिए समझने के लिए, जैसे ये आपके दो जगह हैं और बीच में ये नदी बह रही है, ठीक है, तो आपको ए साइड से बी साइड की तरफ जाना है, इस नदी को पार करके, तो नदी को पार करने के लिए क्या होते हैं, पुल बने होते हैं। तो ये पुल क्या कार्य करेगा, प्लाज्मोडेसमेटा का कार्य करेगा। ये क्या करता है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में कोशिका द्रव्य जीवद्रव्य पदार्थों के आदान प्रदान क्या करता है, मदद करता है, उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेसमेटा कहा जाता है। तो ये तो आपके हो गया कोशिका भित्ति के बारे में, कि भाई कोशिका भित्ति के क्या भाग पाए जाते हैं, इसके कितनी संरचनाएं पाई जाती है, इन सब की अपन बात कर ली। अब बात करते हैं अपन इसके डायग्राम की, कि इसका डायग्राम बनाते हैं कोशिका भित्ति का, उसकी बात कर देखिए। देखो कोशिकांग मैंने आपको सबसे पहले वैसे ये शुरुआत में लिखवा दिया था आपको, भी कोशिकांग कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है ना, इनकी बात हो गई थी। अब देखिए डायग्राम बनाते हैं अपन अच्छा सा इसको समझने के लिए, ताकि ये आपको कोशिका भित्ति का है वो समझ में जाए अच्छे से। देखिए बनाते हैं, ठीक है, इसको क्या मैं अलग अलग मार्कर से बनाऊंगा, ताकि मैं जब इसको प्राथमिक द्वितीय भित्ति तृतीय भित्ति से रिप्रेजेंट करूंगा तो आपको कन्फ्यूजन ही रहेगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अपन इसमें सभी जो अभी भाग पड़े हैं सबको डायग्राम के द्वारा रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ताकि आपको एक चीज पोजिशन पता चल जाएगी, भाई प्राथमिक भित्ति कहाँ पाई जाती है, द्वितीय भित्ति कहाँ होती है, इन सब में आपको कोई कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा।
थोड़ा सा इसको यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। ये आपके एक डायग्राम कंप्लीट हो गया, एक कोशिका भित्ति। अपन एक को थोड़ा सा और बना लेते हैं इसको समझने के लिए अलग से, दो तीन पोर्शन डायग्राम बना के फिर अपन इसको नामांकन है वो रिप्रेजेंट करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, कोई डाउट नहीं रहे किसी भी प्रकार का। कि भाई सिंपल सी बात करें अपन, इसके भी होने वाला है कंप्यूटर डायग्राम, थोड़ा सा इसको बड़ा बना लेता हूँ ताकि अंदर वो थोड़ा सा बनाना ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए आपके। बस हो गया, थोड़ा सा बाकी रहा, एक मिनट और समय लगेगा। अब देखिए बस ये कंप्लीट हो गया डायग्राम आपके। चलिए अब देखिए इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि अभी अपन नामांकन करेंगे तो उसमें आसानी रहेगी। कोशिका भित्ति का क्या है आपके डायग्राम हो गया, कोशिका भित्ति किस प्रकार से पाई जाती है, इसमें कितने भाग होते हैं, जैसे अभी पढ़ लिए कि भाई मध्य पटलिका होती है, प्राथमिक भित्ति, द्वितीय भित्ति ये पाई जाती है। ये हो गया डायग्राम। लास्ट एक और आपके इससे थोड़ा सा बस दें, अभी देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहले जी ये आपके ये बनी हुई है, इसे बोलते हैं त्रिस्तरीय
द्वितीयक भित्ति, ठीक है। और ये जो बनी हुई इसे बोलते हैं आंतरिक परत, और ये जो आपके ग्रीन रंग से डॉटेड बना रखा है आपके, ये आपकी हो गई, ठीक है। कि भाई अपन मध्य पटलिका की बात करें तो ये जो आपके ग्रीन रंग का बना रखा है ये क्या जाएगी, मध्य पटलिका, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ये सबसे बाहरी परत, ठीक है। इसमें बात करें तो ये जो डैश आपके ग्रीन रंग जैसे डैश डैश की बात करें, देखिए मध्य पटलिका जो है आपके ये ग्रीन रंग, ये मध्य पटलिका आपकी, ये ब्लैक वाली लाइन जो बना रही है बीच में, ये पदार्थ जो ये ब्लैक मध्य आप सॉरी ये आंतरिक परत सही है, और ये आपके मध्य पटलिका ये ब्लैक रंग का बीच में जो पदार्थ बना हुआ ग्रीन रंग का, ये वाला सर ग्रीन ये हाँ ब्लू रंग का, ये क्या आपके मध्य पटलिका है। अब देखिए ये आपके जो डैश डैश ये डॉट बना रखे ये क्या आ गई, द्वितीयक भित्ति, इधर बनाया देखिए। उसके बाद में अपने ये जो ब्लैक रंग का ये बना रखा ये वाला ये पोर्शन, ये क्या आ जाएगी मध्य पटलिका, ये ब्लू कलर वाला, और ये जो बनी हुई आपके ये वाली ये पोर्शन, ठीक है, ये सब क्या जाएंगे आपके प्राथमिक भित्ति आ जाएंगे। ये अंदर वाला पोर्शन है ना, ये पूरा यहाँ तक ये वाला ये यहाँ तक ये क्या आ गई प्राथमिक भित्ति, और बीच में जो ये बनी इसे बोलते हैं गुहा, इंग्लिश में कहा जाता है ल्यूमेन। इस प्रकार से क्या होती है अरेंज होते हैं पूरे सभी चीज़ें। तो मध्य पटलिका तो ये क्या बीच वाला जो ग्रीन वाला यहाँ तक ये प्राथमिक भित्ति है, ठीक है। और ये देखिए ये प्राथमिक भित्ति होगी ब्लू ब्लू बना रखा पूरा यहाँ तक, यहाँ से आपके क्योंकि प्राथमिक भित्ति होती है, ठीक है। उसके बाद में ये जो आपके इसके ये जो मध्य में पाया जाए ग्रीन, ये क्या हो गया आपके मध्य पटलिका, अभी पढ़ा था प्राथमिक भित्ति जो मध्य पटलिका दोनों ओर पाई जाती है। और इसके बाद देखिए प्राथमिक भित्ति ये वाली लाइन भी प्राथमिक भित्ति की है, ये लाइन प्राथमिक भित्ति है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जिस प्रकार दो कोशिका अरेंज होती है तो मध्य पटलिका क्या आ जाती है मध्यम आ जाती है, और बीच में गुहा है वो द्वितीयक भित्ति आपकी पाई जाती है ये वाली, ठीक है। ये पोर्शन जो बना हुआ है वो ये सेम बना रखा है यहाँ पे देखिए, ठीक है। क्योंकि अपन ने क्या किया है कि ये दो कोशिकाएं बना रखी है, ठीक है, इसको पूरा एक ही बनाता है, डबल बना दिया इसमें कि ये जैसे बना लीजिए आप जैसे, तो कोई सामान्य बात होगी, ठीक है। कि ये तो त्रिस्तरीय जो आपके द्वितीय भित्ति अभी पढ़ा था, तृतीय भित्ति द्वितीय भित्ति में फर्क नहीं होता है, तो ये जो बना रखा है ये मैं बना रहा हूँ ये त्रिस्तरीय द्वितीय भित्ति है, और एक्चुअल में द्वितीय भित्ति क्या है ये वाला जो खाली पोर्शन है ये वाला ये अंदर वाला, ये क्या है आपके द्वितीय भित्ति का है। तो इस प्रकार से ये आपके संरचनाएँ पाई जाती है कि किसमें कोशिका भित्ति में क्या क्या भाग पाए जाते हैं, इसकी सबके अपन डायग्राम बना लिया। नीचे क्या लिखेंगे, कोशिका भित्ति का अनुप्रस्थ काट है जिसमें मध्य पटलिका प्राथमिक भित्ति द्वितीय भित्ति सभी दिख रही है। तो चित्र क्या हो गया आपके, कोशिका भित्ति का अनुप्रस्थ काट, आंतरिक सेक्शन ने कट किया हुआ है, जैसे अपन को पता चल जाता है कि कोशिका भित्ति के अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, किस प्रकार से अरेंज होते हैं। देखिए मैं वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ किसी को डाउट हो। देखिए सबसे ये आंतरिक परत होगी, ठीक है, ये सबसे बाह्य परत हो जाएगी। मध्य पटलिका क्या है, जो आपके ग्रीन रंग का ये ब्लू रंग का बना रखा जो है ये मध्य पटलिका, ये प्राथमिक बाह्य स्तर हो गया, ये बाह्य स्तर में प्राथमिक भित्ति, ये प्राथमिक भित्ति इनके मध्य पाई जाती है। यहाँ अच्छे समझे दो कोशिका के पास में जाती है, तो ये ग्रीन आपके ब्लू रंग का बना रखा ये तो है मध्य पटलिका, यहाँ तो ये प्राथमिक भित्ति, ठीक है। और आगे वाली दूसरी कोशिका की ये प्राथमिक भित्ति, अगर ये मध्य पट्टिका होगी तो मध्य पट्टिका दोनों ओर क्या पाई जाती है प्राथमिक कोशिका भित्ति पाई जाती है। और ये जो आपने बना रखा है ये वाला ये क्या है द्वितीयक भित्ति, और ये अंदर वाला जो है सबसे ये अंदर वाली इसे बोलते हैं त्रिस्तरीय द्वितीयक भित्ति, क्या कहा जाता है त्रिस्तरीय द्वितीयक भित्ति कहा जाता है। और बीच में जो ये बनी है क्या बोलते हैं गुहा बोलते हैं, ये बाहरी परत हो जाएगी, ठीक है। मध्य पट्टिका प्राथमिक भित्ति द्वितीय भित्ति और तृतीय भित्ति जो आपको पढ़ा था आपने पढ़ा ही था कि तृतीय भित्ति जो है आपके स्पष्ट रूप से लक्ष्य दिखाई नहीं देती है। द्वितीय को तृतीय भित्ति क्या होती है अलग अलग नहीं पहचान सकते, एक साथ में लगती है, अपन अंदाज से कह सकते हैं तृतीय भित्ति, इसलिए ये त्रिस्तरीय द्वितीय भित्ति इसको आपके तृतीय भित्ति भी बोल सकते हैं हम, ताकि मुख्य रूप से द्वितीय भित्ति ही द्वितीय को तृतीय भित्ति है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो ये आपके कोशिका भित्ति का पोर्शन कंप्लीट होता है आज, कि कोशिका भित्ति क्या होती है क्या। देखिए चैप्टर मेरी तरफ से एक प्रकार से आपके कंप्लीट है, कुछ डेफिनेशन है जो अपन
नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे डेफिनेशन क्या किस प्रकार से है इनकी बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।